तरंग 100 वो। सुंदर वर श्री हरि हेते करी वैराग्य निवात, त्यारे कहे मुकुंद वरणी सुनो प्रभु तमे साक्षात। सुखिया करवा जनने कहो भक्ति नी भली रीत, जेवी रीते हरि चरण मा हाय जीव ने बहु प्रीत। त्यारे श्री हरि बोलिया तमे सांभड़ जो सहु जना, भक्ति तनु स्वरूप कहूं करवाने परम पवन। संसार ना बंधन थकी छुटवानो श्रेष्ठ उपाय, मन वांछित जे सुख ते सहजे सहुने थाय। एवी भक्ति भगवान नी तैनी कहूं सर्वे रीत, श्रद्धाए सहु सांभणो राखी एकाग्र चित। अतिशय स्नेहे करी भजवा श्री भगवान, एहनु नाम भक्ति खरी नकी जानो निदान। जैम पति व्रता नारी ते निज पति पर करी प्रीत, अनन्य भावे सेवे पति ने एह पति व्रतानी रीत। तैम मुमुक्षु जीव जे भजे अनन्य भावे करी, प्रत्यक्ष पुरुषोत्तम ने जे प्रगट छे आज श्री हरि। निरंतर भजन करे एक पोताना स्वामी तनु, तेह विना अन्य कोई ने भजे नहीं एक अणु। प्रगट पुरुषोत्तम नो राखी दृढ़ विश्वास, अनन्य भावे ते भजे मुकीने माइक आश। अनन्य भाव तेने कहे जैमा एक प्रभु नो आधार, बीजा जड़ चैतन्य ने जाने असत्य असार। एक श्री हरि ना सुख मा थई रह्या छे गुलतान, दास भाव दृढ़ करी तजे पिंड ब्रह्मांड नु मान। प्रथम तो प्रीते करी करे नव प्रकारे हे हा, भावे करी ने भक्ति ते प्रभु प्रसन्न करवाते हा। पुरुषोत्तम भगवान नु स्नेहे करे समरण, कीर्तन गाय कोडे करी साचे भावे नाम रटण। चरण नु सेवन करे प्रीते करी ने करे पूजन, साक्षात श्री घन श्याम नु दास भावे करे वंदन। सखपणु श्री हरि तणु राखे ए रूढ़ी रीत, आत्मनिवेदन पणे रहीने करे करी बहु प्रीत। एवी रीते नव प्रकारे
कह्या भक्ति ना रूप, तेमाथी एक लक्षण जो राखे अति अनूप, तो पण परम मुक्ति ने पामे ए भक्त पावन। माटे नव लक्षण ने कहूं विगते सांभड़ो जना, प्रथम श्रवण केवी रीते करवूं ते कहूं आज। रह्यो होय स्वधर्म मा भगवान नो भक्त राज, तेना मुख थी सांभड़वा प्रभुना चरित्र अपारा। जन्म धारी ने जगदीशे जे कर्या होय निर्धार, वड़ी मोटा मुक्त छे अनादिते ह अपार। तेनी कीर्ति कोडे करी सुनवी ते सुंदर सार, हवे कीर्तन भक्तिनी कहूं तेरी त पुनीत। प्रगट पुरुषोत्तम ना गावा गुण करी प्रीत, वड़ी तेमना संतना चरित्र सुनवा अपार। चिंतवन करवा योग्य जानी आदर सहित निर्धार, पोताना कल्याण अर्थे करे जे मनुष्य उपाया, ते पुरुष प्रभु प्रगटना गुण अहो निशगाय। जे ह ग्रंथ मा हरितनो होय संबंध अति अपार, ते ह ग्रंथ ने भणे भणावे निश दिन करी बहु प्यार। हवे स्मरण भक्ति ने कहे छे श्रीजी महाराज, सांभड़ो हे मुकुंद वरणी सहु जीवना सुख ने काज। सांग जे हस्त मुखारविंद आदि प्रभु ना जे ह, उपांग जे माड़ा मनोहर तोरा छड़ी बाजू बंधते हा। एह सहित श्री हरिनी मूर्ति अति रस रूप, पोताना शुद्ध आत्मा मा चिंतव विते अनूप। समग्र मूर्ति जोई रहे एक सामटी करी प्यार, का तो एक एक अंगनु करे ध्यान ते निर्धार। हरिनु हसवू बोलवू करता लटका लाल, अंगो अंगनु चिंतवन करवू नेत्र नासिका सुंदर भाल। एह आदि सर्वे अंगनु करे नोखु नोखु ध्यान, मुक्त मंडल मा शोभता सुंदर श्री भगवान। श्री प्रगट पुरुषोत्तम ना चरित्र गुण अपार, तेनु मन मा स्मरण करवू करवा जाप करी प्यार। वड़ी सुनो मुकुंद वरणी सौना अधिपति श्याम, स्वतेज मा अखंड रह्या प्रभु सर्वना सुख धाम। अक्षर धाम पण तेने कहिए छे तेजोमय सुख रूप,
बीजा धाम ने निज किरण प्रकाश करे अनूप। अक्षर ने ब्रह्मपुर जे श्वेत द्वीप ने गोलोक। वैकुंठ आदिक धाम छे छोटा मोटा थोके थोक। ते सर्वे ने शोभा आपे एवु महातेज अनूप। श्री पुरुषोत्तम प्रगटनी मूर्ति नु ए रस रूप। दिव्य भावे चिंतवन करवु मन माही निरधार। तेमा रह्या छे मुक्त जे एक श्री हरि ने आधार। तेने पण संभारवा स्नेहे करीने सुजान। शक्ति ऐश्वर्य वैभव प्रगट न जोवा प्रमाण। ए सर्वे नो मन मा करवो विधि विचार। संत ना समागम थकी जानी ने महिमा अपार। पछी चरण हेते सेववा श्री हरि ना करी प्यार। अनंत मुक्त ना स्वामी जे प्रगट प्राण आधार। तेम ना चरण कमाणनी करवी चंपी रूढ़ी रीत। हैया माहेत आणी ने राखी एकाग्रह चित। जोए प्रगट नव होय तो मन माही करवू ध्यान। चरण कमल हेते सेववा सुखे संभारी निदान। वड़िये परिब्रह्मनी प्रतिमा होय ते जे हा। तेम ना चरणार विंदनो करवो स्पर्श करी स्नेह। हवे प्रभु ना चरणनो महिमा कहूं करी प्रीत। सांभळ जो सहु सुभागी राखी एकाग्रह चित। मोटा मोटा मुक्त ते थया सेवी चरण कमळ। पुरुषोत्तम ना सुख भोक्ता थई रह्या छे सकळ। एकांतिक मोटा घणा परम एकांतिक अपार। अनादि छे मोटा अति कोई पामी शके नहीं पार। देह चरण ना प्रताप थी थया सुख भोक्ता जरूर। पुरुषोत्तम ना चरण मा रह्यो प्रताप ए भरपूर। मूर्ति नू सुख भोगवे चरण कमल ना सेवनार। बीजे क्याई सारप नहीं ते पामे प्राप्ति अपार। प्रगट पुरुषोत्तम ना छे चरण सुंदर सार। सर्वोपरि जे सुख सागर बड़ी सर्व तणा आधार। सर्व अवतार ना अवतारी सर्व कारण ना कारण। ते अमे अहिया विया करी नर नाटक धारण। माटे सेवे जे चरण ने ते थाय पूरण काम।
એમ અતિ આનંદથી બોલ્યા શ્રી ઘનશ્યામ. અનેક જીવ ઉધારવા આવ્યા અહીં અમે આવાર, હેત જોઈ હરિજનના કરીએ સેવા અંગીકાર. માટે સેવો ચરણને રહી આજ્ઞાને અનુસાર, તરત સહુ તમે પામશો આ ભવ સાગરનો પાર. ઇતિ શ્રી પુરુષોત્તમ લીલામૃત સુખસાગર મધ્યે શ્રી હરિયે રામપુર ગંગા ઉપર પુરુષોત્તમ ગીતા કહી તેમાં ભક્તિનું લક્ષણ વર્ણવ્યું એ નામે એકસોમો તરંગ.